दीपावली के बाद छत्तीसगढ़ अंचल में गोवर्धन पूजा के साथ ही गौरा गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इसी कड़ी में दुर्ग के शंकर नगर सहित अन्य जगहों पर गौरा गौरी यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं नजर आई। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहारों में से एक गौरा गौरी पूजा जो बड़ी आस्था के साथ मनाई जाती है। इस वर्ष ग्रहण लगने के कारण सोमवार और मंगलवार को शोभा यात्रा के साथ ही विसर्जन यात्रा निकाली गई। इस परंपरा को निभाते छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ऊपर कोड़े का प्रहार सहते नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर इस पर्व को लेकर दुर्ग शहर में भिन्न जगहों पर ये परंपरा निभाई गई। इसी कड़ी में शंकर नगर के गौरा गौरी चौक पर विराजित गौरा गौरी की पूजा अर्चना कर स्थानीय लोगों ने अपने ऊपर कोड़े का प्रहार किया। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहारों में से एक गौरा गौरी पूजा की अर्चना कर बड़े ही धूमधाम से विसर्जन यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज और मोहल्ले वासियों ने दिलचस्पी के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए। मंगलवार को दुर्ग के शंकर नगर वार्ड के गौरा गौरी चौक से बड़ी संख्या में विसर्जन यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं पुरुष सहित बच्चे शामिल हुए। गाजे बाजे की धुन पर एक एक कर धर्म प्रेमी अपने ऊपर कोड़े का प्रहार करते नजर आए। इस दौरान सजी धजी महिलाओं ने विधि विधान से गौरा गौरी की पूजा अर्चना कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस संबंध में समाज के बुजुर्गों ने इस तरह की जानकारी गौरा गौरी पूजा को लेकर दी। गौरा गौरी पर्व जो है, गौरा गौरी का शिव और पार्वती के विवाह का जो है वो पुरातन समय से चले आ रहा है। बहुत पचास साठ साल से चल रहा है, है ना। किस तरह की मान्यता है उसके बारे में बताओ। हाँ, शिवपति के जो विवाह का जो ये है, है ना, उस पार्वती के और शिव का विवाह के यहाँ पे अब परंपरा बनाए रखे हैं विवाह में। ये शिव पार्वती के विवाह जो होते हैं, हम ना 50 साल से करा रहा था, अभी तक के हम ना माना कहा था, और ये सब चीज पूरा मोहल्ला के मिल के सब कार्य कर कठन 50 वर्षों से चल रहा है, और ऐसा सम्मान करके इसको लेके जाते हैं। यहाँ कोई हो उड़गन तो होता ही नहीं है। माता रानी शिव शक्ति का ये है, और ये पूरा क्या है, शिवमय हो गया है शंकर नगर। लोग सोचते हैं ना शंकर क्या है, ये शंकर नगर नहीं, शिव नगर है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।